बिजनौर इन दिनों रक्त रंजित हो चला है। एक सप्ताह में लगभग 5 हत्या हो चुकी है और लगातार हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अज्ञात बदमाश पुलिस को चुनौती देकर घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस इन बदमाशों तक पहुंचने में नाकाम साबित हो रही है। इसे को लेकर बिजनौर पुलिस पर आम नागरिक का भरोसा करना मुश्किल हो चला है। आज बिजनौर के नेहटोर थाना क्षेत्र के गाँव अकबरपुर देवमल में 4 वर्षीय मासूम बच्ची को अज्ञात बदमाशों ने अपहरण करके जंगल ले जाकर गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। दुस्साहसी बदमाशों का बच्ची का गला दबाते वक्त हाथ तक नहीं कांपे। आखिर 4 वर्षीय फूल सी मासूम बच्ची को बदमाशों ने मौत की नींद सुला दिया और आसानी से फरार हो गए, जिसे क्षेत्र में पुलिस की किरकिरी हो रही है। फिलहाल पुलिस ने बच्ची के शव को सील करके पोस्टमार्टम के भेज दिया है। घटना में बिजनौर SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। 4 वर्ष की बालिका कल प्रातः गायब हुई थी। 11 बजे तक देखी गई थी, खेल रही थी बच्चों के साथ। तो उनके परिजनों ने थाना नहटोर पर एक मुकदमा कायम करा 363 IPC का। पुलिस ने कल भी छानबीन किया, जांच पड़ताल किया, आज भी उसको ढूंढने का काम शुरू हुआ। तो गन्ने के खेत में मरी अवस्था में उसकी बॉडी मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि गला घोट करके उसकी मृत्यु की गई है। शरीर पर अन्य कोई चोट या अन्य कोई चीज़ अप्रत्याशित चीज़ नहीं है। बॉडी को पंचायत रामा पोस्टमार्टम करके भेजा जा रहा है। घटना का अनावरण किया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी।